वेदांता कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं एस के राजपूत आज आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल करने जा रहा हूँ और बिल्कुल इजी ट्रिक से बताऊँगा, जिससे कि आपका समय जो है बचे और आप बहुत जल्द से जल्द सवाल कर सकें। देखिए, जैसा कि हमने पहला सवाल लिखा है, एक बटे दो प्लस एक बटे छः प्लस एक बटे बारह प्लस एक बटे बीस प्लस एक बटे बत्तीस प्लस एक बटे छप्पन और प्लस एक बटे बहत्तर, इसको कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए, इसको करने के लिए पहली बात तो हम किसी भी भिन्न को हल करते हैं तो हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके हल करेंगे तो बहुत समय लेगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही कर देते हैं। कैसे? एक दो तीन चार पाँच छः और सात, जितने डिजिट होंगे उनको ऊपर लिख लेंगे और नीचे एक अंक बढ़ा के लिख देंगे और इसी प्रकार ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। जैसे लिखा है, एक बटे पाँच और प्लस निन्यानवे सही चवालीस बटे में पैंतालीस बटे में पैंतालीस और गुणे में नौ। इस सवाल को भी हम बिल्कुल इजी तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए कैसे, जितने हम लास्ट में नौ लिखे होते हैं उनको आगे लिख लेंगे और जितने नौ आगे लिखे होते हैं उतने हम जीरो बढ़ा देते हैं और हमारा ये आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर हमें इसे सॉल्व करना होता है तो सॉल्व करने के लिए हमें इसका बेस से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा समय लग जाता है और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। सवाल नंबर जैसे तीन लिखा है हमारा, एक बटे आठ प्लस नौ सौ निन्यानवे सही सात सौ इक्यानवे बटे में सात सौ बानवे गुणे में निन्यानवे, इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। जब हम यहाँ पे पीछे जितने नौ लिखे होते हैं उतने नौ लिख लेंगे, आगे जितने नौ उतने जीरो और इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चार नंबर सवाल देखेंगे। जैसे 999 सही एक बटे सात प्लस 999 सही दो बटे सात प्लस डॉट डॉट 999 सही आपका हो जाता है छः बटे सात। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम ये 999 हमारे छः बार होते हैं, इनको कॉमन ले लेंगे गुणे छः कर देंगे प्लस एक बटे सात और प्लस दो बटे सात प्लस डॉट डॉट ये प्लस छः बटे सात हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो इसका जोड़ आता है 21 बटे में सात तियाँ 21 और इसकी गुणा कर लेंगे 9 छाक 54 के 4 हासिल 5 और 9 छाक 54 5 59 और 9 छाक 54 5 59 हो जाते हैं और इस प्रकार ये 5994 में ये तीन ऐड कर देते हैं, इस प्रकार हमारा ये 5997 हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, आपका लिखा है 9992 बटे में 99 और गुणे में 99। ये आपका सवाल नंबर दो जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। सवाल नंबर हमारा दो था, एक बटे पाँच प्लस 9944 बटे में 45 और गुणे में 9। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक बटे पाँच थे लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, तो इसका लगाने के लिए थोड़ा हम शेड्यूल चेंज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से जितने पीछे 9 लिखे थे उतने 9 लिखिए और जितने आगे 9 लिखे थे उतने जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर जो बीच का अंक होता है उसका डिफरेंस, मतलब जो अंश बटे हर होता है इनका डिफरेंस, 92 और 99 का डिफरेंस होता है 7, वो डिफरेंस इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, अब घटा देते हैं तो यहाँ से ली दहाई, यहाँ हुई 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9 और यहाँ पर बचे 8 और 9, इस प्रकार से 9 8 9 9 3 ये आपका
आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भिन्न का है आपका, ये सरलीकरण की भिन्न होती है। जैसे एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी प्लस वन एक बटे डी बराबर में 17/60 लिखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए गुणे में सी, ए गुणे में सी प्लस बी और प्लस डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ये जो 17/60 लिखे हैं इनको हम उल्टा कर लेते हैं और इस 17 से 60 को भाग दे देते हैं। 17 से 60 को भाग दे देंगे तो 17 51 हो जाएगा। अब ये घटा देंगे 9, अब इस 9 से इस 17 को भाग दे देंगे, 9 51 9, 8 बच जाते हैं। अब इस 8 से 9 को भाग दे देंगे, 8 51 8, फिर 1 बचा 1 से 8 को भाग दे देंगे, 7 5 - 4/7। इस प्रकार से ये हमारा 8 आ जाता है। तो यहाँ से हमें ए बराबर मिल जाएगा, बी बराबर और सी बराबर और डी बराबर। तो इस प्रकार से ए गुणे में सी प्लस बी और प्लस डी, ए की वैल्यू आपकी होती है 8, गुणे में सी की वैल्यू होती है 1 और प्लस बी की वैल्यू होती है 1 और डी की वैल्यू होती है 3। तो 8 51 8 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3, 8 और 1 9 प्लस 3 और बराबर में 12 आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कैसे करते हैं? अगला सवाल था हमारा भिन्न का, ये 5 सही 4/7। ये भिन्न बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताई जाएगी। जैसे कि आप कोई भिन्न हल करते हैं तो आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, एलसीएम लेकर आप हल करोगे तो आपका समय बहुत लगता है। लेकिन हम कैसे बताएंगे? यहाँ से हमने इससे एक कम कर दिए, जो पहला अंक था उससे हमने एक कम कर दिया, 5 में से 1 कम किया, 4 बचे हैं। और यहाँ पे जो हर होता है अंश को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 7 हैं 7 में से 4 गए बचे हैं 3 और बटे में 7। इस प्रकार ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। आपके पास सवाल दिया है ए प्लस वन अपान ए बराबर में 2 है और आपको फाइंड करना है ए की घात 100 प्लस वन अपान ए की घात 101, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये आपका बीजगणित से रिलेटिव सवाल होता है। बीजगणित में क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख देंगे जो हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, जो कि आपने देखा होगा इधर 2 हैं तो हम ए बराबर में 1 रख दें। अगर ए बराबर में 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस 1/1 बराबर में 2 और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 + 1 बराबर में 2 और 2 बराबर में 2, हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। इसलिए हमारी ए की वैल्यू जो हमने 1 रखी है बिल्कुल सही रखी है, वही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ए बराबर 1 रखा है तो 1 की घात हो जाएगी 100 और प्लस 1/1 की घात हो जाएगी 101। और 1 की घात कितनी भी होती हैं उनका मान हमेशा 1 ही रहता है, तो इधर से हो जाएगा 1 और प्लस 1/1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग 9 नंबर में क्या है आपका, a बराबर में 196, b बराबर में 196 और c बराबर में 197। पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, जब इनका डिफरेंस समान ना हो, इनका डिफरेंस वाई 0 है इनका डिफरेंस 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 गुणे में डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर आ जाता है। तो 3 गुणे में 1 का स्क्वायर बराबर में 3 आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10 में क्या है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। ए बराबर में 100
95 दिया है और बी बराबर में 194 दिया है, सी बराबर में 196 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए होता है 9 गुणे में डिफरेंस होता है, और गुणे में डिफरेंस का स्क्वायर गुणे में होता है मिडिल अंक, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर को भी हम लिखेंगे मिडिल नंबर। तो देखिए भाई, 9 गुणे में डिफरेंस 1 है, 1 का वर्ग, और मिडिल अंक यहाँ पर है 195, तो 9 गुणे में 1 गुणे में 195 हो जाएगा। 9 गुणे में 195, 9 × 5 = 45 होता है, हासिल 4 होते हैं, 9 × 81 और 4 = 85, और 9 × 1 = 9 और 8 = 17 होते हैं। इस प्रकार हमने आपके 10 सवाल लगभग कम से कम समय में करा दिए हैं, ठीक है।